आदाब, हेलो फ्रेंड्स। आज हम आपको बताएंगे कि फ्लैक्स सीड या पम्पकिन सीड या सनफ्लावर सीड, इन सबको कैसे रोस्ट किया जाता है। डेली यूज में इनको अपने इंक्लूड कर लें, और रोज हम इनका एक चम्मच, सारी सीड्स को मिला के एक चम्मच लें तो हमारी हेल्थ के लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहता है। ये ओमेगा 3 ओमेगा 6 में काफ़ी रिच है, और इसमें विटामिन मिनरल्स भी बहुत सारे पाए जाते हैं। मैं आपको नीचे एक लिंक दे दूंगी जिसमें आप चेक कर लेंगे इसके क्या बेनिफिट्स हैं। आप उस लिंक पर अगर क्लिक करेंगे तो आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि इसको खाने से क्या क्या फ़ायदे हैं। मैंने पूरा एक वीडियो भी बनाया हुआ है मल्टी सीड का, आप वो भी देख सकते हैं। मैं उसका लिंक दे दूंगी एंड स्क्रीन में, और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आप उसमें देख सकते हैं कि इसके क्या क्या फ़ायदे हैं, उसमें मैंने बताया हुआ है। इस वीडियो में आपको सिर्फ मैं ये बता रही हूँ कि इनको कैसे रोस्ट करना है। तो चलिए मैं आपको दिखा देती हूँ कि सीड्स को किस तरह से रोस्ट किया जाता है। ये पम्पकिन सीड्स हैं, हरी भी होती हैं और सफ़ेद भी होती हैं। मैंने हरी ली हुई हैं, इसको हम रोस्ट करेंगे। तो मैंने ये ओवन की एक ट्रे ले ली है जिसमें मैंने सीड्स को डाल दिया है। बहुत पतली लेयर करके मैंने इसमें बिछा दिया है। आप देख सकते हैं किस तरह से मैंने पतली लेयर की हुई है। तो मैंने ओवन को पहले से ही गर्म करने के लिए रख दिया था। आप अपने ओवन की सेटिंग अपने हिसाब से कर लीजिएगा। मेरा अब एक नॉर्मल किस्म का ओवन है जिसको मैंने प्री हीट किया है 10 मिनट, और उसके बाद अब मैं इसको रखूंगी 5-7 मिनट के लिए, और बीच में लेकिन हम एक बार चेक कर लेंगे कि ज़्यादा रोस्ट ना हो जाए। इसको घी में या तेल में करने से ठीक नहीं रहता है, अच्छा जायका नहीं रहता है। कुछ ही दिनों में वो घी तेल की अजीब सी महक आने लगती है और ये इसका जायका बिल्कुल ख़राब हो जाता है। तो इसे हमें फर्दर, क्योंकि अपने आप ये बहुत ही हेल्दी चीज़ है, इसको फर्दर हमें घी या तेल में नहीं करना चाहिए। मैं इसको ड्राई रोस्ट करके आपको दिखाती हूँ। तो अब मैं इसको ओवन में रखने जा रही हूँ। आप ये देख सकते हैं कितने अच्छे से रोस्ट हो गए, हल्का हल्का कलर भी ब्राउन हो गया है। तो इसी तरह से हमने रोस्ट कर लिया है। इसको हम ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। फिर जब ये ठंडा हो जाएगा बिल्कुल टोटली, इसको मैं एयर टाइट कंटेनर में रख दूंगी, और इसको हम रोज़ जैसे हम सौंफ खाते हैं उस तरह से इसको खा सकते हैं। बहुत ही हेल्दी ऑप्शन है ये। चलिए हम फ्लैक्स सीड को भी रोस्ट कर लेते हैं। ओवन की ट्रे में फ्लैक्स सीड को डाल दिया है। इसको हम अलसी भी बोलते हैं। इसकी बहुत सारी रेसिपीज बनती हैं, इसकी चटनी भी बहुत अच्छी होती है। तो इसको भी हम इसी तरह से रोस्ट कर लेंगे। 10 से 12 मिनट लगेंगे रोस्ट होने में, और ओवन को हमें इसको इसी तरह से प्री हीट करके रखना होगा। इसको भी मैं रख देती हूँ, अवन में रख दिया है। इसको मैं आपको 10 से 12 मिनट में फिर दिखाती हूँ। आप देख सकते हैं कि फ्लैक्स सीड भी रोस्ट हो गई है बहुत अच्छे से, और बहुत अच्छा कलर आ गया है इसका, हल्का हल्का ब्राउन हो गया है, और खुशबू बहुत अच्छी आ रही है। रोस्ट करने से इसमें जो और भी खुशबू बढ़ जाती है, और इसका जो ऑयल होता है वो भी एक्टिवेट हो जाता है, उसकी वजह से खुशबू आने लगती है। तो मैंने आपको दो सीड्स को रोस्ट करके दिखा दिया है, पम्पकिन सीड्स और फ्लैक्स। इसी तरह से आप बाकी भी सीड्स को कर सकते हैं। सनफ्लावर सीड्स हैं, तिल हैं जिसको हम सेसमी बोलते हैं, उनको भी आप रोस्ट करके एक मल्टी सीड का कॉम्बिनेशन तैयार कर सकते हैं, जिसको आप रोज़ अगर आप खाएंगे एक चम्मच, या उसको ब्रेकफास्ट में इस्तेमाल करेंगे तो उससे आपकी को बड़ा फ़ायदा होगा। मेरा तो अगर आपको मेरा ये तरीका या रेसिपी पसंद आए तो नीचे एक लाइक बटन ज़रूर दबा दीजिएगा। हमारा बड़ा हौसला बढ़ता है अगर कमेंट्स आते हैं, लाइक्स आते हैं। अगली बार मिलते हैं किसी नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया। देखते रहिए शैलाज दस्तरखान।